ये आज बन रही है बढ़िया चीज, और ये जो बढ़िया चीज है ये है मशरूम पार्सल्स। सबसे पहले क्या करना है, आपने एक डो बनाना है, जैसे समोसे का डो बनता ना, आटा लेके उसमें थोड़ा सा घी डाला, अजवाइन डाला, एनर्जी डाली, थोड़ी सी नमक शमक, और बढ़िया डो बना लें। ये देखिए जैसे मैंने ये कड़क डो बनाया ना, बिल्कुल ऐसे डो बना लें। मशरूम ये लीजिए, ये मशरूम ले लिए, मशरूम बारीक चॉप कर लें, और ये मैं इसमें डाल लेता हूँ पैन, ठीक है जी। थोड़ा सा तेल भी डाल लेते हैं, ज्यादा नहीं, ये लीजिए, और थोड़ा सा तेल डाल लिया। मैं काम आसान कर रहा हूं, और काम आसान कैसे कर रहा हूं, मशरूम यहां पे मेरे पास ये मिराकल मसाला है, और क्या करूंगा मैं, ये पैकेट खोलना है मुझे, ये लीजिए सीधे, ये लीजिए मशरूम के अंदर, और अब क्योंकि इस मसाले में नमक वगैरह सारी चीजें होती हैं, तो थोड़ी देर पकाएंगे। अब ये देखिए, ये जो मिक्सचर है ना, ये बढ़िया गाढ़ा हो गया है, मज़ेदार, और थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें निकला है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और मैं इस समय ये मिक्सचर निकाल लेता हूँ ये एक बोल में, और अब ये जो मिक्सचर है इसको मैं रख लेता हूं यहां ठंडा करने के लिए। ये तेल जो मैंने गरम करने रखा है, ये लीजिए, ये यहां रख लिया, और ये जो डो मैंने बनाया है, बढ़िया खस्ता डो, इसे बेल लेंगे। जी हां, मैदा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आप अपने रेगुलर राशन में नहीं खरीदते, इसलिए आटे से बनाइएगा डो, और ये जो पट्टी बनेगी ना थोड़ी पतली, इसलिए मैं थोड़ी पतली बेल रहा हूं, ये लीजिए ये बेल ली। अब क्या करना है, ये इस तरह के स्क्वायर्स बना लीजिए। अब बताइए इतनी मेहनत की है और इतने से ही स्क्वायर बने, बिल्कुल। अब कई बार ऐसे होता है कि आप मेहनत बड़ी करते हैं, आपको लगता है अरे बड़ी मेहनत हो गई, और लेकिन अगर कुछ चीज़ें परफेक्शन में करनी है तो बहुत ज़रूरी है कि आपको बिल्कुल ध्यान से काम करना पड़ेगा। ये देखिए ये फिलिंग, और फिलिंग ले लें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये लीजिए ये एक स्क्वायर उठा लें, और ये चारों को पास ले आए, ये देखिए अब प्रेस कर लें ताकि ये जुड़ जाए इस तरह से, ये देखिए। अब ये देखिए ये भी तैयार, आहा सिंपल, बढ़िया। तेल में एक पहले डाल के देख लेते हैं कि तेल जो है वो गर्म है या नहीं, मुझे तो लगता है कि तेल बिल्कुल तैयार है, ये देखिए आहा क्या बात है, बिल्कुल क्रिस्प फ्राई करेंगे, आहा क्या बात है, ये देखिए ये हुई ना बात, मजा आ गया ये देख के तो मुझे। अब इसमें कितने बढ़िया लग रहे हैं, डालते वक्त एक बार और ध्यान से ये कर लेंगे, ये जी ये देखिए ये डाल लिया, ये लीजिए ये एक और डाल लिया, ये लीजिए क्या बात है, आहा बढ़िया। मैं परोसने के लिए एक काम करूंगा, ये प्लेट ले ली, ये बढ़िया, ओहो जबरदस्त क्रिस्पीज हैं ये देखिए। अच्छा दिखने में अब इतने खूबसूरत हैं कि कुछ और करने की इच्छा ही नहीं हो रही, लेकिन एक चीज मैं करूंगा यहाँ पे, ये लीजिए ये जो चटनी है
ये इसमें रख ली। आहा, अब क्या है जी, अब ये ना, ये जितने हैं ना ये मिनटों में खत्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और ये दिखने में इतने मजेदार कि इंसान सोचेगा अरे ये शेप कैसे आया, कैसे किया आपने, है ना मजेदार। मशरूम पार्सल्स, इसे बनाने के लिए एक पैन में मशरूम्स रखें, उस पर एक छोटा चम्मच तेल डालकर आधे से एक मिनट तक भून ले। मंचूरियन मसाला डालें और तीन से चार मिनट तक मशरूम सूखने तक भून ले। कढ़ाई में तेल गरम करें, गूंधे हुए आटे के समान गोले बनाकर हरे गोले की रोटी बेले, चारों तरफ से काटकर चौकोन बनाए। मशरूम्स का मिश्रण बीच में रखकर पार्सल बनाए। इसी तरह सभी पार्सल्स बनाए। कढ़ाई में डालकर पार्सल्स सुनहरे और कुरकुरे होने तक तले। सर्विंग प्लेट पर निकालकर शेजवान चटनी के साथ सर्व करें।